हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु वॉइस ओवर। और आज की इस वीडियो में हम आपके भेजे हुए ऑडियोस को रिव्यू नहीं करेंगे। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इनफैक्ट उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि शायद पिछली कई वीडियोस में कमेंट्स में पूछा गया है, कमेंट्स में उसकी रिक्वेस्ट करी गई है। और आई थिंक सो आप सभी वो वीडियो बहुत टाइम से चाहते थे। जी हाँ, आपने टाइटल और थंबनेल में समझ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं वॉइस एक्सरसाइजेस की। आपको लगता है वॉइस एक्सरसाइज करना जरूरी है वॉइस ओवर के लिए, या फिर जब आप वॉइस एक्टिंग करते हैं? बहुत जरूरी होता है वॉइस एक्सरसाइजेस करना, बिकॉज जब आप रेगुलर वॉइस ओवर काम करेंगे ना, आपको फर्क समझ में आता है क्या होता है। जब हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद काम करते हैं, बहुत देर तक आप नोटिस करेंगे कि आपके वर्ड्स क्लियरली नहीं निकलेंगे, कहीं ना कहीं किन्हीं शब्दों में या किसी अक्षर में आपको प्रॉब्लम होगी, मे बी वो र में आपको दिक्कत आए, एक ना जैसे मफल्ड सी आवाज आती है, जिसे हम कहते हैं आप जिब्रिश टाइप बोल रहे हैं, ओके। एंड आपके एक्सप्रेशन, आपके इमोशंस अच्छे से नहीं आएंगे, आवाज में क्लैरिटी कम होगी, ये बहुत कॉमन है। तो जिन एक्सरसाइजेस की मैं बात करने वाला हूं, वो मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम बेड से उठो और शुरू हो जाओ, नहीं, आप आराम से अपना सुबह उठिए, फ्रेश होइए, चाय वाय पीजिए। जब आप काम करने बैठ रहे हैं वॉइस ओवर का, उससे पहले आप खुद को 15 मिनट दीजिए ये एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत जरूरी है। तो चलिए, ज्यादा ऐसे डिस्कशन करने के बजाय सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं उन आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताता हूँ, और उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताने से पहले एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत ही बेसिक चीज होती है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को मैं एज एन एक्सरसाइज इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। जब भी हम सांस लेते हैं, हम अक्सर गलत तरीके से सांस लेते हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं, ओके, आप नोटिस करिए, शीशे के सामने सांस लीजिए। अगर आप सांस लेते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, और वो सांस लेने के बाद आपके अगर शोल्डर्स उठते हैं, तो वो प्रॉपर सांस नहीं है, थोड़े से उठेंगे। बट अगर ऐसे आप सांस लेते हैं कि यार चेस्ट पे जोर पड़ता है आपके, आपको लग रहा है आप गहरी सांस ले रहे हैं, बट ये गहरी सांस नहीं है, ये प्रॉपर आपके लंग्स नहीं फुलाने वाली। गहरी सांस एक अच्छी सांस तब मानी जाती है जब ये जो आपका स्टमक है ना, ये बाहर जाए, ओके, जस्ट लाइक अ बैलून। जब हम बैलून फुलाते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। जब आप ये चेस्ट पे प्रेशर वाली एक्सरसाइज लेंगे ना, आप स्टमक पे हाथ रखिएगा, आपका स्टमक अंदर जाएगा। बट आप इमेजिन करिए, अगर आप बैलून में हवा डालेंगे तो वो कंप्रेस होना चाहिए या एक्सपैंड होना चाहिए? ऑब्वियसली एक्सपैंड होना चाहिए। तो इसलिए आप ऐसे सांस लीजिए कि आपके स्टमक से सांस, मतलब स्टमक आपका बाहर जाए। आपका स्टमक फूलना चाहिए, और जब वो फूलेगा तो एक अच्छी खासी प्रॉपर आपके अंदर सांस जाएगी, ठीक। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बाहर खड़े होकर ये थोड़ा सा कम करना, बिकॉज हवा के साथ बहुत धुआं भी अंदर जाने वाला है, जो हालात हैं। खैर, आप आराम से अंदर बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जहां पे भी आपको फ्रेश हवा लगे वहां तो बेस्ट है। आप ऐसी एक्सरसाइज करें, आपको ना बहुत रिलैक्स फील होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड प्रॉपर आपको बोलने में हेल्प मिलेगी, बिकॉज ब्रेथ इज लाइक द सोल, द जिसे कहते हैं ना हार्ट ऑफ डूइंग वॉइस ओवर्स। ब्रेथ प्रॉपर नहीं है या ढंग से नहीं ले रहे आप, तो वॉइस ओवर ढंग से आएगा ही नहीं, यानी हार्ट बीट ही नहीं चल रही। तो ब्रेथ ढंग से लेना बहुत जरूरी है। चलिए, हम आते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे दी उन एक्सरसाइजेज से भी पहले, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है, इट्स जनरल स्ट्रेचिंग, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा एग्जाम्पल करके बताऊंगा। जैसे आपको नॉर्मल स्ट्रेच करना है अपना, एक तो बिल्कुल जैसे ये ना हाथ जैसे जली है, छड़क ऐसे छड़कना है, बहुत जोर के मत करिएगा, कड़क कड़क आवाज आ सकती है, दर्द हो सकता है, नॉर्मल, बिल्कुल जैसे हम करते हैं ना जंप कर सकते हैं आप अपनी ही जगह पे खड़े होकर, आप जंप करिए, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल ऐसे जो आप जिम में भी करते होंगे या मॉर्निंग में आप देखते हैं लोग करते हैं, बिल्कुल वैसे जनरल स्ट्रेचिंग आपको करनी है।
उससे क्या होगा, आपकी बॉडी लूजन अप होने लग जाएगी, जो कहीं पे भी स्टिफनेस है, कहीं पे भी अकड़न है, वो निकल जाएगी, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी मैं ऐसे बैठ के लगातार वॉइस ओवर करता रहूंगा, मजा नहीं आएगा। मुझे अपने इमोशंस चाहिए यार, हैंड जेस्चर चाहिए, मेरी गर्दन हिलेगी, सब कुछ होगा, तो उसके लिए बॉडी में स्टिफनेस हटानी है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज जो कि थी जनरल स्ट्रेचिंग, अलोंग विद दैट ये हाथ झटकाना। हमारी दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो देखिए वॉइस ओवर करते हुए हमारे अपर बॉडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें ऐसी ऐसी जगहों की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है जो आप अक्सर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारी टंग, नेक, जॉज। आप कब स्पेशली इनकी एक्सरसाइज करते हो? नहीं, एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको करनी पड़ती है। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अभी मैं थोड़ा सा रेगुलर नॉर्मल लेवल की बता रहा हूँ, विच इज शोल्डर रोल्स। ठीक है, यहाँ की स्टिफनेस हटाने के लिए तो आपको अपने खड़े होकर शोल्डर्स को रोल करना है। देन उसके बाद रिवर्स, 5-6 बार ऐसे, 5-6 बार ऐसे। इससे क्या होता है, आपके पूरे हाथ वगैरह की मूवमेंट क्लियर हो जाती है। ठीक, आपने कहीं दौड़ना नहीं है, इसलिए आपको बहुत लेग्स की एक्सरसाइज नहीं करनी, पर अपर बॉडी आपके लिए बहुत जरूरी है, उसकी एक्सरसाइज करना। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। अब वो जो तीसरी एक्सरसाइज है वो सिमिलर है हमारी सेकंड एक्सरसाइज से। शोल्डर रोल्स जैसे हमने करे थे, वैसे दूसरी एक्सरसाइज है हेड रोल्स। ठीक है, जिसमें हम उसको कह सकते हैं नेक रोल्स। तो नेक रोल्स आपको क्या करने हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे देखना है, देन ऊपर देखना है, पहले जमीन पे, फिर सीलिंग पे, जमीन पे, सीलिंग पे, देन लेफ्ट और राइट आपको देखना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कभी भी जब आप एक्सरसाइज करें तो गर्दन पे झटके मत मारिएगा, लाइक अरे नहीं भैया चटक जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, बहुत नाजुक होती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज करें झटके मत मारिए, नॉर्मल करिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, देन घुमाना क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। तो वैसे आपने 10 बार क्लॉकवाइज करा, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करा, थोड़ा सा सर घूमा, कूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब ये एक्सरसाइज देखो, जो हमने पहले 3 एक्सरसाइज की बात करी है ना, वो बहुत कॉमन एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, आप जिम वगैरह जाएंगे या पार्क में जाते हैं, सब कर सकते हैं। अब जिस टाइप की एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी ना, वो अगर आप सबके सामने करेंगे तो मे बी आप थोड़ा सा एम्बेरस होना फील करें, बट कोई बात, कहीं ना कहीं जगह बना के आप करिएगा वो एक्सरसाइज, घर पे हैं तो घर पे तो बेस्ट है। अब ये एक्सरसाइज क्या है, आपको लगेगा ये भी जरूरी है क्या? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या करना है आपको, आपको बिन बात के, ठीक है, कोई बिना कोई बात के आपको स्माइल करना है और हंसना है। ओके, जितना आप स्माइल कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल खड़े होके, बोलेगा भाई क्या 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 है ये सब, बट करना पड़ेगा और हंसना है। जितना ज्यादा आप हंसेंगे ना, उसके दो फायदे, एक तो जो आपका जॉ है, ठीक है, वो उसकी एक्सरसाइज हो रही है इससे, एज वेल एज आप खुल जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको वॉइस ओवर से पहले अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ता है। आधे से ज्यादा लोगों की गेम वहीं फेल हो जाती है, बिकॉज वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने शेल में रहते हैं। उनको लगता है यार सामने इंजीनियर बैठा है, अगर मैं या क्लाइंट बैठा है, अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो कैसे होगा? मेरे दोस्त, अगर आप ये सोचने लग गए तो वॉइस ओवर कभी नहीं कर पाओगे, आपको बिल्कुल निडर बेखौफ होना पड़ेगा। तो चौथी एक्सरसाइज में आपको स्माइल करना है, हंसना है। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं ऐसी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरह ही है। इसको बीइंग अ पंजाबी मैं कहता हूं बुर्रा एक्सरसाइज। अब वो देखा है आपने, करते हैं बुर्रा, है ना, तो वो आपको करना है बस, ये फुल एंजॉयमेंट के साथ नहीं, आपको अपने लिप्स इस तरह हिलाने कि आप वो बुर्रा कर रहे हैं, लगातार हिलाने। मैं माइक से थोड़ा दूर होता हूँ, सो दैट सलाइवा ना ज्यादा वहां पे पहुंचे।
अगर आप रील्स फॉलो करते हैं आजकल, वो चल रहा है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, तो वही समझ लीजिए, वही है ये। ठीक है, आप लगातार करो, ये जो आपका पूरा एरिया है ना, मस्त एकदम वाइब्रेट होगा और बहुत अच्छे से इस पे काम होने लग जाएगा, ये आपके मूवमेंट फ्लो क्लियर हो जाएगा। तो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी स्माइलिंग एंड लाफिंग, इसको आप कह लीजिए बुर्रा, एक नेक्स्ट लेवल पे आप खुश हैं। तो जिस तरह से वॉइस ओवर बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है, उसी तरह से उसके पहले का जो प्री वर्कआउट, यू नो, वर्कआउट है हमारा वॉइस ओवर के लिए, वो भी बड़ा मजेदार होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, आज इस वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज, वैसे और भी बहुत है, ठीक है, बट इस वीडियो की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसको मैं, ये भी एक थोड़ी सी अटपटी है, ये है मनगढ़ंत खाना, मनगढ़ंत चबाना। तो यानी कि आपको इमेजिन करना है कि आप कुछ खा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, हम सबसे ज्यादा, हम जैसे कहते हैं ना कि च्युइंगम जब खाते हैं तो ऐसा लगता है कि गाय की तरह चबा रहे हैं, बिल्कुल, अरे आप इसको एक और नाम दे दीजिए, मनगढ़ंत चबाना / गाय की तरह। बड़ा अच्छा असर होगा, आपका पूरे जॉ वगैरह खुल जाएंगे। ठीक, तो ये सब एक्सरसाइज देके आपको थोड़ा सा देखते हुए भी फनी लगेगा, एज वेल एज करते हुए भी लगेगा, बट करो, मजा आएगा, एंड बिलीव मी, बहुत 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 फर्क पड़ेगा। आप जब अपना वॉइस ओवर काम करने से पहले जब ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे ना, एक दिन ना करिए और एक दिन करिए, फिर देखिए कैसा असर होता है। तो ये प्री वर्कआउट बहुत जरूरी है हमारे वॉइस ओवर करने का। अब ऐसे ही मज़ेदार और भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि लाइन एक, स्टाइल अनेक, ऐसे बहुत सारी और एक्सरसाइजेज हैं। तो ये तो था हमारी टाइप्स ऑफ वोकल एक्सरसाइज, वॉइस ओवर एक्सरसाइज का पार्ट वन। ओके, ऐसा ही एक पूरा नॉलेज से भरा हुआ, ज्ञानवर्धक, मज़ेदार, तगड़ा सा पार्ट टू भी आ सकता है। वो पार्ट टू कैसे आएगा, कि अगर आपको ये पार्ट वन पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि भैया हमें पार्ट टू चाहिए, पर आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए इतना ही काफ़ी है तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट करेंगे, मुझे थोड़ा सा, यू नो, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं पार्ट टू भी बनाऊं। तो और भी ऐसी ही 6-7 एक्सरसाइजेस पड़ी हैं जिनको मैं आपको पार्ट टू में बता सकता हूं, उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। एंड ये 6 के 6 एक्सरसाइजेस का जो वीडियो है, आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वो बेल आइकन दबा के, एज वेल एज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप वो 6 एक्सरसाइजेस को दोबारा ये वीडियो देख के फॉलो करिए एंड रोज इसकी प्रैक्टिस करिएगा, सुबह 10-15 मिनट लगेंगे, एज वेल एज दोपहर या शाम को भी कर सकते हैं तो भी करिएगा, एकदम इतना बढ़िया सा मजेदार आपका वॉइस ओवर होने लग जाएगा, क्या कहने। ठीक है, यहीं से आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, जो आपकी वोकल, जब आप वॉइस ओवर करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम आर्टिकुलेशन पे बात करेंगे और कैसे हम एक्सरसाइज से अपने वॉइस ओवर को बेहतर बना सकते हैं उसकी। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, वॉइस ओवर करते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।